आपने डीएनए टेस्ट के जरिए इंसानों की पहचान करने की बात तो सुनी होगी, लेकिन होशंगाबाद में डीएनए टेस्ट के जरिए एक डॉगी को उसके असली मालिक तक पहुंचाया गया। दरअसल इस डॉग पर दो लोगों ने अपना हक जताया था। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के जरिए इस अजीबोगरीब मामले को सुलझा लिया। कोको बहुत खुश है, वो अपने असली मालिक शादाब के घर जाकर फिर रहेगा। कोको की घर वापसी किसी हिंदी फिल्म की कहानी जैसी है। दरअसल इस लैब्राडोर प्रजाति के डॉग पर दो लोग अपना हक जता रहे थे। शादाब का दावा था कि ये उनका कोको है, तो वहीं कृतिक शिवहरे इसे अपना टाइगर बता रहे थे। ये डॉग कृतिक शिवहरे के ही कब्जे में था। शादाब खान का कहना था कि इसे चोरी कर लिया गया है। मामला थाने पहुंचा तो पुलिस भी असमंजस में पड़ गई। थक हार कर पुलिस ने डॉग के डीएनए सैंपल के जरिए असली मालिक की पहचान करने का फैसला किया। शादाब का दावा था कि उसने पचमढ़ी से ये डॉग खरीदा है। पुलिस ने पचमढ़ी के डॉग से इस डॉग के डीएनए सैंपल मिलान के लिए हैदराबाद भेजे, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद तय हो गया कि डॉग शादाब का कोको ही है। आज दोपहर में मुझे थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि आपके डॉग की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, उसमें सिद्ध हो गया है कि ये टाइगर नहीं कोको है। और कल सुबह मुझे कोको को वापस करने की बात कही जा रही है। अब शादाब खान काफी खुश हैं कि उनका कोको आखिर उनको मिल गया है और वो जल्द ही अब इसको अपने घर ले जा पाएंगे। अब तक कोको एक स्कूल के पिंजरे में रह रहा था। सितंबर 2020 का प्रकरण है। शादाब जो मालाखेड़ी में रहते हैं, इनका ब्लैक कलर का लैब्राडोर डॉगी था। वो बताने आए थे थाने में कि ये डॉगी जो है कृतिक शिवरे हैं, उनके पास है। तो इसी बात को लेके दोनों ने आवेदन दिए थे। शादाब बता रहे थे कि हमारा है, कृतिक बता रहे थे कि ये डॉगी हमारा है, हमने इसको ख़रीदा है। इसी बात को लेके जांच की गई थी। अंत में ये डिसाइड हुआ था कि इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो डीएनए टेस्ट के लिए इसका डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। आज तो इसमें स्पष्ट है कि वो उसके मालिकाना हक जो है वो शादाब का ही निकला है। शायद ये पहला मौका होगा जब किसी डॉगी के मालिक की पहचान उसके डीएनए सैंपल से हुई है। कोको की किस्मत वाकई तेज थी, तो पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और साइंटिफिक तरीके से इस मुश्किल केस को सॉल्व किया। अब्दुल सलीम, बंसल न्यूज।